सीआरपी पुलिस ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना सहित 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी बिहार के हैं, जो आमतौर पर अजमेर के साथ ही दिल्ली और जयपुर में वारदातें अंजाम दे रहे थे। ट्रेनों में लूट की बढ़ती वारदातों से परेशान जीआरपी के सभी थानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर मुखबिर की सूचना पर 10 युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि पकड़े गए सभी युवक बिहारी गैंग के सदस्य हैं, जो आमतौर पर ट्रेन में यात्रा करने वाले बिहारी मुसाफिरों को अपनी वारदात का निशाना बनाता है। गिरफ्तार हुए गिरोह के सरगना मनोज पासवान उर्फ तरुण के अनुसार गिरोह के सभी सदस्य वारदात को अंजाम देने के बाद जयपुर जाते थे, जहां तरुण ने एक मकान किराए पर ले रखा है। लूट के माल का बंटवारा जयपुर में ही किया जाता था। जीआरपी इस गिरोह से पूछताछ में जुटी हुई है। उसे आशा है कि गिरोह द्वारा अंजाम दी गई बड़ी वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस की एक टीम इस गिरोह के जयपुर स्थित ठिकाने को तलाशने के लिए जयपुर रवाना हो गई है। वहीं गिरोह के सभी सदस्यों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। निर्देशन में चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत कल शाम को श्री मनोज और तरुण के नेतृत्व में चलने वाली गैंग जो यात्रियों के सामान को अतिथियों को खोलकर वारदात करती है, उसके नेतृत्व में चलाई गई गैंग को हमारे सिपाही श्री भवन भारती और नानू राम की इतला पर प्लेटफार्म 4 और 1 नंबर प्लेटफार्म से दबोच कर 10 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और इन्होंने यात्रियों के साथ चीटिंग करना भी पूछताछ के दौरान बताया है। टिकटों की रिजर्वेशन को बताकर यात्रियों के साथ चीटिंग करके पैसे ले जाते हैं। अभी तक कितनी वारदात अंजाम देने के तरीके क्या थे, किस तरीके से वारदात को अंजाम देते? यात्रियों को झांसे में लेते रिजर्वेशन का बताकर और यात्रियों को चुरा कर सामान अटैचों को खोल लिया गया, बैग को उठा ले जाते हैं। अभी तक इन्होंने कहाँ कहाँ वारदातें की और कुल कितनी वारदातों को कबूला है इन्होंने? अजमेर में 2-3 वारदात करना बताया है और जयपुर में भी वारदात करना बताया है, लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है, गहनता से पूछताछ की जा रही है, कामयाबी।